इसके अंदर शिवलिंग देख, बहुत अच्छी। ये भी तो शिवलिंग ही है, यहाँ भी शिवलिंग है, सब में शिवलिंग है, शिवलिंग निकली है। ये देखो पुराने टाइम से निकले हुए, यहीं से जमीन से खुद के निकले थे, बहुत कम खुदाई में निकले हुए ये तो। अच्छा तो प्रॉपर शिवलिंग है भाई ये तो, पूरा कैंपिंग वाला ट्रिप हो जाता है पूरा। आजकल तो सुबह कैंपिंग टेंट लगाओ इनमें, अबे बाघ भी तो आ जाएगा यार। अरे नहीं आता उतने लोगों के लिए, मतलब चार पांच बंदे हो ना, हाँ कोई मतलब ही नहीं होता बाघ तुम्हारे आसपास भटके। वही तो, एक और दो के लिए रिस्क है, उसके बाद यहाँ कैंपिंग लगाओ, चूल्हा बनाओ, फुल फुल मजे, कैंपिंग का मजा ही अलग है। एक ट्यूब व्यूब ले आओ, ट्यूब तो चाहिए, ट्यूब जरूरी है भाई, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा स्विमिंग और ट्यूब के साथ, तैरता हो कहीं भी निकल जाए फिर तो, वही तो डूबेगा नहीं। या फिर वो लाइफ जैकेट आती है, लाइफ जैकेट भी ले लो, ट्यूब भी ले ले। हाँ। बंदा ट्यूब में तो रिस्क होता है ना, पलट जाती है। हाँ तो उसके लिए फिर या तो बंदे को तैरना आना चाहिए, पलट गए तो लाइफ जैकेट ले लो, वही तो, और वो रेंट पे मिल जाते हैं आपको। बड़े दिन बाद पहाड़ के रूट पर चल कर मज़ा आ रहा था इसकी आँख, जब पानी कितना मस्त हो रहा है इसके नीचे, यहाँ से यहाँ बुलबुले आ रहे हैं, गहरा होगा, तगड़ा, बहुत तगड़ा रहा है ना, पहले और ज़्यादा था तो कम होगी, मतलब ऋषिकेश वाली फीलिंग आ जाएगी, वही वाला पत्थर है यही होगा तेरा। हाँ ये तो है भाई, खतरनाक रात में बाघ के आने का, हाँ हाँ वही तो, बाघ के आने का डर यही है भाई साहब। हाँ इस गुफा में हो सकता है बाघ है, अभी तो पता नहीं मिलेगा नहीं, तो यही मिलता है बाघ, वो देखना पीछे ऊपर ही पुल, ऊपर से भी आ सकता है नहर में, वहां से भी आ सकता है बाघ, मस्त लग रहा है चलता पानी में ऐसी। हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता, क्योंकि हमारी सल्तनत की सरहद इंसानियत की दहलीज से शुरू होकर रहम और ईमानदारी के इलाके से गुजरती हुई दिल के दरवाजे पर खत्म होती है। नदी किनारे की आवाज सुनो, नदी की आवाज कितनी मस्त आ रही है ना, फुल तगड़ा हो रहा है, तगड़ा और खबर तगड़ा, बिल्कुल गजब, नेचर ब्यूटी तो यही है। आवाज सुनो कितनी बढ़िया आ रही नदी की, मजा आ गया देख के भी और आवाज सुन के भी, नदी की लग रहा है जन्नत में आ गए। ये देखो ऊपर पहाड़ों का भी, जमीन यहीं पे निकल रही है, जमीन के अंदर से वो दिखेंगे मूर्ति यहीं से निकली थी, वही है अभी भी। अच्छा फिर बाद में खोदना बंद कर दिया था ना। अच्छा मूर्ति निकली थी, पुरातत्व जो विभाग था उसने मना कर दिया। अच्छा सही है, ब्रेक लगवा दिया खोदने को, नहीं तो और निकलती। पुरानी मूर्ति वो होंगे ना इसीलिए। सही यार बढ़िया जगह है, जय श्री राम। अच्छा जय हो भगवान, बहुत दिन बाद क्या शिवाला मंदिर, नंदी ये भोलेनाथ की मूर्ति, भोलेनाथ की मूर्ति सही है। हाँ यहाँ पे शिव जी के शिवलिंग पड़ रहे हैं थोड़े थोड़े से। अच्छा नंदी जी है, ये तो वैसे बनाए हुए हैं, ये तो पुराने जमीन से निकला हुआ होगा, ये नंदी तो वही है भाई, जमीन से निकले हुए वो है, देख ना शेप देख, पुराने टाइम के हैं ये, और ये भी सारे पुराने टाइम के हैं, ये सारे, हाँ ये मतलब पुराने टाइम के होंगे, किसी ने बनाया थोड़ा है अपने हाथ से। हाँ हाँ सारे पुराने टाइप के हैं, सारे वही वही तो।
सही है जी जी, कुटिया में रहने का तो लॉक होगी, कोई जमीन आते हैं जय भगवान। हाँ ये ऐसे निकला था पूरे, अच्छा अच्छे ऐसे निकले थे पूरे भाई साहब। ये देखिए इसके अंदर शिवलिंग देख, बहुत अच्छी, ये भी तो शिवलिंग ही है, यहाँ भी है, यहाँ भी शिवलिंग है, सब में शिवलिंग है यार। शिवलिंग निकली है ये देखो, पुराने टाइम के निकले हुए, यहीं से जमीन से खुद के निकले थे, बहुत कम खुदाई में निकले ये तो। अच्छा इतने तो प्रॉपर शिवलिंग है भाई ये तो, ये देख यहाँ भी है शिवलिंग, शिवलिंग ही शिवलिंग है, कुछ वो होगा ना ये जो शिव जी के कितने वो होते हैं, हाँ उतने होंगे, अभी पूरा खुदता तो और निकलते क्या बोलते हैं, शिवलिंग ही शिवलिंग है भाई यहाँ तो, यहाँ तो भोलेनाथ का ही वास है पूरा। ये गेट था क्या पहले है? ये गेट था नहीं नहीं ये तो वही है ना, कि यहाँ पे ये मंदिर बनाने के लिए खोद रहे थे, अच्छा तो ये निकल गए, अच्छा फिर इसको यहीं बना दिया, फिर वहाँ से अलग बनाया, फिर खुदाई रोक दी, अच्छा वो तो पहले बना था बढ़ाने के लिए, हाँ हाँ फिर ये नहीं बनाया कुछ नहीं, ये ऑलरेडी मंदिर बना भाई पुराना, नया बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे खुदाई में निकला पूरा का पूरा। घंटी भी यहीं निकली थी, क्या पता मुझे लग रहा है जो यहाँ निकला था ना ये वही है सारा का सारा, मंदिर से ये देखो पुरानी खुदाई में ये भी यहीं से निकला था, ये भी यहीं का होगा चक्र टाइप का, सब यहीं के निकले हुए हैं, ये पत्थर भी यहीं के ही हैं, है पुराना सब कुछ देखो, हाँ गलती से भाग आ गया ना कहीं किस कोने से, भाग भी नहीं पाएंगे भैया। सामने नेचुरल पानी है, पहाड़ों से डायरेक्ट आता है, देख यही है नौला ठंडे पानी वाला धारा, अच्छा डिग्गी साफ नहीं करते क्या कभी, तो डायरेक्ट वहाँ से बर्तन भरो चलो, सही है भैंस के लिए हो, बहुत ठंडा पानी आता है इसमें, डायरेक्ट नेचुरल है, कोई पाइप नहीं कोई कुछ नहीं, ये देख डायरेक्ट पानी आ रहा ऊपर, खा मैं नहीं खा रहा, मैंने खा लिए दो, सही ठंडा पानी आ रहा है, बढ़िया हो रहा है, प्योर आर ओ वाला है, आर ओ से भी साफ पानी है, बहुत नेचुरल पानी है, तो जड़ी बूटी वाला है, जड़ी बूटियाँ जो माउंटेन वाला पानी आता ना उससे बहुत बढ़िया है, वो तो वो सामने से आ रहा हो पीछे से उधर से निकलता हुआ, ये वैसे पेड़ है ना सारे हरे भरे, चीड़ के पेड़ नहीं है ना इसलिए पानी भी आ रहा है, चीड़ के होते तो पानी सूख जाता है, ऊपर है यहाँ तो उस तरफ है ना, इस तरफ से ठंडा ठंडा ग्रीनरी देख कितनी बढ़िया हो रखी है, बहुत बढ़िया, सुनो कितनी शांति है, चिड़िया की आवाज़ भी आ रही है, ये देखो कितना शांति वाला माहौल है, मज़ा आता है ऐसी जगह पर जाके, ग्रीनरी ग्रीनरी पहाड़ों के बीच में पुराने घर, ये देखो ये मज़ा ही कुछ और है यहाँ पर आने का, ऐसा लगता है जन्नत में आ गए हैं, सही है चलते हैं भाई, चल नदी पार करके चलते हैं, अब नदी पार करने मजा आएगा, उस पार जाना है पुल के उस पार, हाँ हाँ फाइनली नदी तो पार हो गई, अब चलने आगे नॉर्मल रोड पे, रेते वाले रोड पे पहुँचते सीधा घर।